तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो आज लेकर आए हम आपके लिए क्लास 12th के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 8 का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? तो चैप्टर है धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपरा, यानी इसमें धार्मिक इतिहास की चर्चा की गई है। ठीक है, धार्मिक इतिहास। इसकी चर्चा है तो धार्मिक इतिहास की इसमें चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले क्या है, यहाँ यहाँ है कबीर साहब जी। कौन है? कबीर साहब जी। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो चैप्टर है उसमें इनकी भी चर्चा की गई है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत के काशी शहर में। कहाँ हुआ था? काशी शहर के लहर तारा तालाब में। कहाँ हुआ था? तो लहर तारा तालाब, जो लहर तारा है वो तालाब में। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1398 में, 1398 में हुआ था, और कमल के फूल पर शिशु के रूप में ये प्रकट हुए थे। ये माना जाता है कि कमल के फूल पर ये शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। और इनका जो जन्म है, वो जन्म हुई थी तो इनकी जो माता थी क्या थी? तो उनकी माता उस समय विधवा थी जब इनका जन्म हुआ था, जो कि लज्जा के कारण इनको वो क्या कर दी, त्याग दी, और इनको लहर तारा ये जो लहर तारा है तालाब, उसके पास छोड़ दी। उसके बाद इनका पालन पोषण कौन किया? तो जूल्हे जाति के लोग थे, जूल्हे। ठीक है, इनका पालन पोषण किया। इतना हो गया, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? कबीर शिष्य थे, यानी कबीर जो है वो किनके शिष्य थे, पूछा गया 18 में और 23 में, यानी 2018 में और 23 में पूछा गया। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के 12 जो शिष्य थे वे अलग अलग जाति के शिष्य थे। अलग जाति के शिष्य थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, तालवंडी किसका जन्म स्थान है? जो तालवंडी है वो किसका जन्म स्थान है, पूछा गया कब? तो 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, यानी 7 बार पूछा गया। कितने बार? तो 7 बार पूछा गया। तो तालवंडी जो है किसका जन्म स्थान था? तो तालवंडी नानक जी का जन्म स्थान था। किसका? नानक जी का जन्म स्थान। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब, तालवंडी रावी नदी के तट पे। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो रावी नदी के तट पे। और ये जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु थे। और 10वें गुरु कौन थे सिखों के? तो 10वें थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, पूछा गया 2018 में, 21 में और 22 में पूछा गया है, यानी 3 बार पूछा गया है। तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे? तो बीजक में जो है कबीर के उपदेश संग्रहित थे। किसके उपदेश संग्रहित थे? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीजक किसकी रचना है? तो बीजक रचना भी कबीर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? ये जो लिंगायत आंदोलन है उसका जो प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो उसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। पूछा कब गया? तो 2023 में पूछा गया। भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बल्वाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था?
जो वल्लभाचार्य है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था उनका जन्म। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनको जो है पुष्टि मार्ग के जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग के जहाज कहा जाता है। और इन्होंने 12 जो ग्रंथ है, क्या 12 ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं? संस्कृत में 12 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने कृष्ण भक्ति पे जोर दिया है। पे जोर दिया है तो कृष्ण भक्ति पे जोर दिया है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये जो निजामुद्दीन औलिया है उसकी दरगाह कहाँ है? तो पूछा गया कब? तो 2023 में पूछा गया है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। क्या है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? यहाँ पे दरगाह होगा, ठीक है, दरगाह। ये जो ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती है उसका दरगाह कहाँ है? 2019, 20 और 22 में पूछा गया है। तो अजमेर में है। कहाँ है? तो अजमेर में है। और इनके जो दरगाह है उन पर सबसे पहले कौन आए थे? प्रथम बार, सर्वप्रथम तो मोहम्मद बिन तुगलक। बने थे तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इनके दरबार पे 14 बार अकबर आए थे। अकबर 14 बार आए थे। कौन आए थे? तो अकबर 14 बार आए थे, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर दास का। किसका? कबीर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में। काशी वाराणसी में पूछा कब गया? तो 2020 में और 22 में पूछा गया है। कब पूछा गया? तो 20 में और 22 में। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तालवंडी। और वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। और मीरा का जन्म तो चित्तौड़। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में जो है भक्ति भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो किस संत ने किया? तो रामानंद। रामानंद जो है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किया। उत्तर भारत में आरंभ कौन किए? तो रामानंद। ठीक, कौन किए? और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन यानी जो भक्ति आंदोलन है वो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो कौन लाए? तो रामानंद। कौन लाए? रामानंद। या फिर आरंभ कौन किए? तो रामानंद। ठीक है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? कब पूछा गया? तो 2021 में पूछा गया। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? तो चैतन्य। किस संत ने किया? चैतन्य ने। और 21 भक्ति ये भी जो थे कृष्ण कृष्ण के भक्ति। ये भी कृष्ण भक्ति के थे, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा। तो
तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे अभी कुछ नहीं पढ़े उनको कुछ हेल्प हो जाए आपकी मदद से। ठीक है, धन्यवाद।